सर्कट इंजेक्टर सर्कट अभी इसके अंदर हम लोग लो सर्कट की बात करेंगे। लो सर्कट का मतलब है वो सर्कट जो इंजेक्टर के ऊपर आने वाली नेगेटिव वोल्टेज से रिलेटेड है। देखिए लो का मतलब है इंजेक्टर के ऊपर आने वाली नेगेटिव वोल्टेज, जिसको हम लोग पल्स भी बोल देते हैं, नेगेटिव वोल्टेज बोल देते हैं। इस नेगेटिव वोल्टेज को इंजेक्टर तक पहुंचाने के लिए कितने कंपोनेंट्स ईसीएम के अंदर लगे हुए हैं उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इंजेक्टर के ऊपर नेगेटिव को लेकर आने के लिए कितने कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें हमारा सबसे पहले इंजेक्टर्स के लिए कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो बहुत मोस्ट पॉपुलर है? MOSFET है क्या? बोलिए, किसने बोला था? MOSFET। बिल्कुल सही बात है, MOSFET। आपने कभी भी किसी भी ईसीएम को उठाया तो MOSFET जब आपने देखेंगे MOSFET लगे हुए, दैट मींस ए इंजेक्टर सेक्शन है। पहचान आपको इस तरीके से पहचान हो जानी चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पिन नंबर। पिन से जब मैं अंदर गया तो क्या आया? MOSFET। ये क्या है इसका रेन। अब मैं इधर क्या होगा, मैंने एक बनाया, ये चेक कर लीजिए। आप लोग यहां पे गलती करते हो, पूरा यहां से जहां जहां आगे आगे जहां पे ढूंढना स्टार्ट करते हो फिर आपको दिक्कत आती है। ये जो इसके कितने टर्मिनल होते हैं MOSFET के, तीन में मैंने पहले पे आया दूसरे पे आया। अब ये दूसरा टर्मिनल है क्या? सोर्स जा गेट। हम लोग डिसाइड करेंगे, यदि ये सोर्स है तो मैं पहले इसको ट्रेस करूंगा। ट्रेस करने के बाद मैं कहां पहुंच गया, आप लोगों को जब आप ट्रेसिंग करते हो यहां पे रुकिए, सोचिए दिमाग के अंदर कि ये कैपेसिटर क्यों लगा हो, ये कैपेसिटर चार्ज को ले रहा है या दे रहा है। इस चीज में क्या कम है, ये MOSFET को चार्ज देगा ना लेगा? उधर देगा, इस MOSFET से चार्ज लेने का तो मतलब नहीं, चार्ज तो कहीं से और से ले रहा है। इसको तो सिर्फ क्या करेगा, तो आपने एरो लगा देगा सोच कर इस तरीके से कि यार इस कंपोनेंट से ये ले रहा है या दे रहा है। सोचिए चाहे एक सर्किट करो लेकिन फिर आप उस सर्किट पे आप 100% क्लियर हो जाओगे। इसको सोच कर आगे गई कि यार रुको, ये करता क्या है, ये चार्ज दे रहा है या दे रहा है। हम लोग यहां से आए तो हम लोग एरो किधर लगाएंगे, एरो से हमें क्या पता लगेगा कि चार्ज किधर जा रहा है। यहां पे आगे रुके, ये क्या हो गया भाई, अब आ गया हमारा गेट के आगे क्या लगा होता है, बस ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। फिर इसके आगे क्या लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस के एक्सिस से बा, फिर आगे एक रेजिस्टेंस और मिलेगी, फिर आपका आ गया एक। अब ये आ गई हमारी फ्यूज रेजिस्टेंस एक और। अब एक चीज रह गई, MOSFET चार्ज हो जाते हैं खुद जब उसको इधर नेगेटिव पॉजिटिव आपस में मिलता है तो ये क्या हो जाता है, अब डिस्चार्ज करने के लिए एक रेजिस्टेंस लगेगी। वो कैसे लगी होती है पता, पैरेलल है। जब हमने इसको डिस्चार्ज करना तो रेजिस्टेंस कैसे लगेगी, इस रेजिस्टेंस का आपने ध्यान रखना है मैक्सिमम के अंदर इसकी वैल्यू कितनी है,
इसकी वैल्यू है, ये फ्यूज रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू 4600। जो रेजिस्टेंस 20 किलो से लेकर 40 किलो ओम ये डिस्चार्ज के लिए लगी हुई, आप सर्किट के अंदर कभी भी देखोगे जो रेजिस्टेंस है 20 किलो ओम से लेकर 46 किलो ओम तक है, ये रेजिस्टेंस किस लिए लगी हुई है? डिस्चार्ज। ये डिस्चार्ज किसको करेगी? अब मॉस्फेट के पैरल में लगी हुई है। आप लोगों के ने कल क्वेश्चन पूछा था कि सर ये रेजिस्टेंस क्यों लगी होती है ऐसे 5 वोल्टेज, और दूसरी साइड क्या है, ये इस तरीके से लगी है। तो मेरे भाई ये रेजिस्टेंस लगी हो सकती है, नहीं लगी हो सकती, मैंने बना दी। ये रेजिस्टेंस आपको मिलेगी, ये रेजिस्टेंस मिलेगी। अब आपको काम लिखने हैं, काम क्या देखिए, सपोज कीजिए आईसी कमांड के रूप में क्या देगा, वोल्टेज। आईसी क्या देगा, सपोज कीजिए इसने 3 वोल्टेज दिया, तो ये रेजिस्टेंस क्या करेगी उस वोल्टेज को, इसने क्या कर दिया 1 वोल्टेज। ये है 1 वोल्टेज यहां आई, ये फ्यूज है, ओनली फ्यूज, ये कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि ये खुद अपने आप कंटिन्यूटी बता रहा है, बीप आ रही है इसमें से। तो 1 वोल्टेज कहां पहुंच जाएगी, जब गेट पे 1 वोल्टेज आई उस समय क्या होगा, ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद यह नेगेटिव वोल्टेज कहां चला जाएगा, बाहर पिन की तरफ। जैसे इस पे स्विचिंग होती रहेगी उसी उसी समय ये जो नेगेटिव वोल्टेज है हमारा बाहर जाएगा। तो ये इंजेक्टर सेक्शन है, ये आपको स्विफ्ट में मिलेगा, लो साइड सेम, ये डिस्टेंस वहां पे नहीं लगी, ये डिस्टेंस लगी है या ये लगी, ठीक है। तो आप इसको ट्रेस कीजिए।